नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। महिला के साथ सरहंगों के द्वारा मारपीट कर निर्वस्त्र करने और उसे प्रताड़ित करने की खबर सोशल मीडिया में वायरल की गई थी, जिसमें एक वीडियो और फोटो भी वायरल किया गया था। उक्त वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने स्वतः मामले को संज्ञान में लिया और महिला की तलाश शुरू कर दी। साथ ही आरोपियों से भी पूछताछ की गई, जिनका नाम सोशल मीडिया पर लिखा गया था। हालांकि महिला को तलाशने में पुलिस सफल नहीं हुई, लेकिन एक सप्ताह बाद महिला स्वयं थाने पहुंची है और गांव के ही महेंद्र उपाध्याय, दृष्ट दमन तिवारी, चंद्रभान उपाध्याय के ऊपर फर्जी तरीके से वीडियो तैयार कर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, उसका किसी से भी प्रेम प्रसंग नहीं है और सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए फर्जी तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। महिला ने सोशल मीडिया में अपना बयान भी वायरल किया है कि राजनीतिक व रंजिश के चलते महिला को मोहरा बनाकर उक्त लोगों के द्वारा गांव के ही तिवारी परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। वही महिला ने अपने पत्र में लिखा है कि लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और उसे जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर महिला एक सप्ताह तक कहाँ थी और अभी तक सामने क्यों नहीं आई थी? क्या वाकई उस पर किसी का दबाव था या उसकी जान माल का खतरा था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपियों के द्वारा दबाव बनाकर उसे थाना पहुंचाया गया या अपनी बदनामी के डर से महिला मुकर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो जिन लोगों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, महिला जिनका नाम ले रही है, क्या उन पर पुलिस कठोर कार्रवाई कर पाएगी? आइए सुनाते हैं उक्त महिला ने गुड़ थाना पहुंचकर क्या कहा, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। जो आपके देवर ने वीडियो वायरल की है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगी, बोलिए। जो मेरे देवर ने वीडियो बनाई है वो सब गलत है। मेरे साथ उनका तिवारी खानदान से कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल भी। सब झूठा आरोप लगा रहे हैं, बदनाम करने के लिए सब ऐसा कर रहे हैं, वीडियो बना के वायरल कर दिए हैं। अच्छा अच्छा, मायके में कौन कौन गया था? पति और बच्चों के साथ मायके में थी। अच्छा, सुबह चली गई थी, मुझे ये सब कुछ मालूम ही नहीं था, मुझे आज मालूम पड़ा है। अच्छा, ये सब फर्जी कौन कौन फैला रहा था भाई आपके साथ? इंद्रभान उपाध्याय। और महेंद्र उपाध्याय। महेंद्र उपाध्याय भी इसमें शामिल थे? हाँ जी। और आप तिवारी चालू का था? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, कोई प्रेम प्रसंग तो कुछ नहीं चल रहा था, फर्जी चला रहे हैं, प्रेम प्रसंग आपका कुछ चल रहा है? अच्छा ठीक। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर।
पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।